दोस्तों स्कैम्स की जो दुनिया है ना ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ना अभी मतलब प्लीज फैला दो और शेयर कर दो सब तरफ, क्योंकि ये किसी की जान की बात भी हो सकती है। बहुत खतरनाक स्कैम की इस दुनिया के बारे में बात करने वाला हूं। इट्स अ डेडली वर्ल्ड, क्रिमिनल्स हैं, बहुत ही बड़े स्केल का इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है और आज हम जानेंगे आखिर जो स्कैम्स हैं इनके पीछे की कहानी क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज अगर आप देखोगे तो आपको तरह तरह के स्कैम्स मिल जाएंगे ना, कि मतलब कई बार हमको ऐसा स्कैम मिलता है कि भैया मैसेज आ गया है कि आप घर बैठे पैसे कमा लो, या कोई बोलता है कि कहीं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो। आपको तरह तरह के ऐसे मैसेजेस आते होंगे, कोई कॉल करता है, कभी व्हाट्सएप पे, कभी टेलीग्राम पे स्कैम्स चलते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इनसे बचें। लेकिन आपको कैसा लगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग आपको फंसाने के लिए ये सब मैसेज करते हैं वो खुद ही फंसे हुए हैं और वो खुद जो हैं वो अपनी जान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा डेडली नेटवर्क है दोस्तों स्कैमर्स का, और ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड तरीके से भी फैल भी रहा है। इनफैक्ट इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एडवाइजरी भी इसके लिए इशू की है। काफ़ी ज़्यादा इसको अभी जो है वो कवरेज मिली है और ये चीज़ें सामने निकल के आई हैं और हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है इस पूरे नेटवर्क में। तो द बेसिक थिंग इज़ कि इसमें यंग आईटी प्रोफेशनल्स को फंसाया जाता है, फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स, वो लोग जो मार्केट में नई नौकरी की तलाश में हैं, अलग अलग तरीके से इनको फंसाया जाता है और इनको प्रॉमिस किया जाता है कि दुबई में या और किसी बाहर की लोकेशन में काफ़ी अच्छी प्राइस पे इनको मतलब नौकरी मिल रही है, एक अच्छी सैलरी इनको मिलने वाली है। अब ये उसके लिए हाँ बोल देते हैं, कई केस में तो ये एजेंट्स वगैरह को पैसा भी दे देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बाहर एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो अगर कुछ उसके लिए इनको कमीशन वगैरह देना पड़ता है तो कई बार तो वो भी इनसे लिया जाता है। उसके बाद बड़े आराम से, प्यार से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, मतलब 1% भी शक नहीं होता है, दे आर कम्प्लीटली एस्कॉर्टेड फ्रॉम इंडिया टू लेट्स से दुबई। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे किसी और एजेंट के पास में आगे बात फॉरवर्ड की जाती है और वो बोलता है कि जो दुबई में नौकरी थी वो तो अब नहीं है लेकिन अब थाईलैंड में नौकरी है। तो इनको थाईलैंड लेके आया जाता है बड़े आराम से बिजनेस क्लास में, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं लाखों के पैकेज की, तो उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करते हुए सारा काम एकदम स्मूथली चलता है। जब थाईलैंड पहुँचते हैं तो वहाँ से इनको बाद में एक गाड़ी आती है पिक करने के लिए, ये कहीं आगे जाते हैं, बाद में कहीं गाड़ी चेंज होती है, करते करते फाइनली ये एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं कि एक नदी के थ्रू बॉर्डर पार करते ही एंट्री हो जाती है म्यांमार में, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो छीन लिए जाते हैं और बहुत ही बड़े स्केल पे साइबर कैंप्स ऑपरेट कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे दे आर फोर्स्ड टू डू ऑल दीज साइबर क्राइम्स। अगर ये साइबर क्राइम्स नहीं करते हैं तो इनके साथ में फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक तक दिया जाता है। ये मैं कोई कहानी नहीं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है और ये बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे अगर ये परफॉर्म ना करें, अगर ये ठीक से स्कैम ना करें, मतलब अगर इनका रिजल्ट वैसा ना मिले जो एक्सपेक्टेड है, तो इनको किसी दूसरे कैंप में बेच दिया जाता है और ये कहानी चलती रहती है। दे आर ट्रैप्ड फॉर लाइफ। इनको बताया जाता है कि इनको तो एज अ स्लेव खरीदा गया है $10,000 के लिए या $15,000 के लिए, तो अगर यहाँ से फ्री होकर जाना चाहते हो तो अपने घर से $15,000 पैसे मंगाओ और उसके बाद तुम जा पाओगे। मतलब जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रैप जो पूरा चल रहा है, और ये जो पिक बचरिंग है ये बहुत बड़े स्केल पे दोस्तों चल रही है। यही लोग बाद में फोर्सफुली जो है वो ये सारे स्कैम्स ऑपरेट करते हैं, बिकॉज आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इनको लैपटॉप फोन्स वगैरह दिए जाते हैं और वहाँ पे 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, ये सारे स्कैम्स करने पड़ते हैं, उसके थ्रू और लोग फंसते हैं, अलग अलग तरह के स्कैम्स होते हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या व्हाट्सएप पे हो या टेलीग्राम पे हो, और ये पूरा नेक्सस चल रहा है। मतलब कंट्रीज लाइक म्यांमार, कंट्रीज लाइक कंबोडिया, वहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े सेटअप्स लगे हुए हैं जहाँ पे ऐसे लोग जिनको फोर्सफुली स्लेव्स की तरह रखा गया है उनके साथ भी स्कैम हुआ है और वो वहाँ पे बैठ के ये सब स्कैम्स
कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। काफ़ी सारी जो है वो अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है बाहर, धीरे धीरे सबको मालूम चलता है कि क्या चल रहा है, पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो आपके लिए प्लीज़ एक रिकमेंडेशन है, कहीं पे अगर कुछ भी आपको ऐसा नौकरी का ऑफर मिलता है, डोंट बिलीव अनलेस यू नो येस इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ रियल सोर्स। रैंडम किसी व्हाट्सएप मैसेज पे जहाँ पे कोई आपको नौकरी देने का प्रॉमिस करता हो, या कोई बहुत ही बहुत अच्छी एक कोई सैलरी प्रॉमिस करता हो, रैंडम कोई आपके लिए कुछ बोले कि अरे नया ऑफर आया है ये वो, ना, यू डोंट हैव टू बिलीव प्लीज़। मतलब सिर्फ किसी की बातों में आके अगर आप एक बार कहीं फ्लाइट बोर्ड करते हैं, उसके बाद कैसे आपके एक्शंस होंगे और कैसे आपको पूरा ट्रैप में लिया जाएगा, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मतलब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं फंसने वाला हूँ, बट ये जो हमारे इंडियन भाई हैं ये फंसे हैं, जो कहीं कहीं पे ट्रैप्ड हैं, और पता नहीं कुछ को रिकवर किया गया है, कुछ हो सकता है अभी भी फंसे हों जिनके बारे में हमको पता तक नहीं है, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली कट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ऑल जो उनसे काम करवाया जाता है इज जस्ट द स्कैम्स एंड स्कैम्स। तो मेरी आपसे प्लीज़ ये सलाह है कि डोंट बिलीव ऑन एनी ऑफर इंटरनेट पे। आपको रैंडम कोई व्हाट्सएप पे कोई नौकरी ऑफर कर रहा है, कोई आपको बोलता है कि दुबई में इतनी बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, ये है ना, डोंट ट्रस्ट। कंपनी का अगर कोई नाम बताता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करें, ढंग से अपना जो है वो समझ के साथ में अपने फैसले को लें। ऐसे ही कोई आपको अगर पैसे का प्रॉमिस करता है तो उसकी बातों में ना फंसें, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक दिस, ये रियलिटी में हो रहा है लोगों के साथ में, और ये बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों स्कैम है, जहाँ पे हम हज़ारों हज़ारों करोड़ की बात करते हैं। मतलब यहाँ पे छोटी मोटी अमाउंट की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। जो अकाउंट्स जिनसे ये पैसा लेते हैं उनमें कई कई सौ करोड़ पैसा जो है वो जमा हुआ है। मतलब जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, ये साइबर, क्योंकि आज की डेट में दुनिया ऐसी है ना कि Everything is digital, everything is online. तो सोचो आप, criminal mind जो लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा एक नया playground मिल गया उनको यहाँ पे अपनी activities के साथ में operate करने के लिए। तो हमको alert रहना है, हमको aware रहना है। आपको पता है अगर कोई आपके साथ में fraud होता है तो helpline is 1930 and the website is cybercrime.gov.in. Please go ahead, file a complaint. अपने किसी दोस्त के साथ में अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसके behalf पे समझाओ, इस वीडियो को फैलाओ चारों तरफ, ताकि कोई भी ऐसे किसी स्कैम में शिकार होने से अपने आप को बचा पाए। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।